एक मिनट। ये लीजिए दूध, इसे पीने से आपकी ताकत दुगनी और मजा भी दुगना हो जाएगा। क्या पंडित जी, आप हमेशा बुरी खबर ही सुनाते हैं। अभी तक आपको मेरे लिए कोई लड़की नहीं मिली। अरे हर महीने मैं आपको इतनी मोटी रकम क्यों देता हूँ? ताकि आप मेरी शादी जल्दी से जल्दी किसी अच्छी लड़की से करा दो। एक बात कान खोलकर सुन लो पंडित जी, मैं अकेला नहीं मरना चाहता हूँ, मुझे शादी करना है। आप मेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढिए, फिर मैं आपको मुंह मांगा इनाम देता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। बात है, शहर में अच्छी लड़कियों का अकाल हो गया है क्या? एक अच्छी लड़की नहीं मिल रही शादी करके घर बसाने के लिए। हेलो, हाँ जी, श्याम नारायण बोल रहा हूँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, मैं शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, एक कुंवारी लड़की है? हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, मैं फौरन आपके घर आ जाता हूँ रिश्ता पक्का करने के लिए। ठीक है जी, ठीक, नमस्ते नमस्ते। लगता है पापा ने मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ ली। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। तेरे मंदिर में 100 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पापा, आपने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली? मैं बहुत खुश हूँ पापा, आपने सच में कर दिखाया। बेटा, तुझे कोई गलतफहमी होगी। बेटा, मैं तेरी शादी की बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको दिखता नहीं है यहाँ घर में जवान बेटा कवारा बैठा है, पर उसकी शादी की नहीं पड़ी आपको, और आप अपनी शादी की तैयारी कर रहे हो? सोच भी कैसे सकते हो पापा? देख बेटा, तेरा गुस्सा होना जायज है, पर अपनी बात बोलने से पहले तुझे अपने पापा के बारे में भी सोचना चाहिए। बेटा, जब तू 5 साल का था ना, तब तेरी माँ हम लोग को छोड़ के चली। मैंने अकेले ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। उस समय तो मेरे पास मेरी खुशियों को पूरा करने के लिए समय नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, और ये पहाड़ सी जिंदगी अब अकेले नहीं जी सकता, इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ बेटा। और वैसे भी तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे पापा का घर बस रहा है, और वैसे भी अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ दूंगा। नहीं पापा, आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप अपने बुढ़ापे को ना रंगीन बनाइए, और बुढ़ापे में अपनी और मेरी समाज में ना कटवाओ। बस बेटा, बस पापा, रहने दो। समझ रही, तेरे से तो बाद में समझा लूंगा, पहले होने वाली नई दुल्हन से तो मिल लूं। आपका क्या नाम हुआ जी? शिवानी। साक्षात लक्ष्मी का रूप है हमारी बेटी, जिस घर में भी जाएगी उस घर को रोशन कर देगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बेटी को देख के यही लगता है। आजकल बिना कैश और दहेज की शादी होती कहाँ है लड़कियों की, और हम जैसे साधारण इंसान कहाँ कैश और दहेज दे पाएंगे। इसीलिए हमारी लड़की की जहाँ शादी लगती थी लगते ही टूट जाती थी। फिर हमने आपके बारे में सुना कि आप बिना कैश और दहेज के शादी करने को तैयार हैं, तो हमने भी फैसला कर लिया
कि हम अपनी बेटी आपको ही देंगे और हमें आपकी उम्र से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे तो फिर शुभ कार्य में देर किस बात की? ये एक छोटा सा शगुन है। अब आप तो प्यार से दे रहे हैं तो मना तो नहीं कर सकते ना। शिवानी अपना हाथ बढ़ाओ। आज से हमारी बेटी आपकी हुई, बस आप ये बताइए शादी कब करनी है? ये शादी नहीं हो सकती। ये कौन है? ये शिवानी का बड़ा भाई है दुर्गेश। श्याम नारायण जी बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। तुम्हारी बहन बहुत खुश रहेगी इनके साथ। अरे क्या खा खुश रहेगी? अरे कैसी बात कर रही हो अम्मा? अरे हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी फूल जैसी बहन की शादी किसी ऐसे बुढ़े के साथ नहीं कर सकते। और मैं अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अन्याय तुम कर रहे हो इतने अच्छे इंसान का रिश्ता ठुकरा कर। अरे बहुत खुश रहेगी तुम्हारी बहन इनके साथ, समझते क्यों नहीं हो यार? देखिए दुर्गेश जी, मैं आपकी बहन से उम्र में जरूर बड़ा हूं, लेकिन मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे दुनिया भर की खुशियां दूंगा। देखिए ईश्वर की दया से मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत मान सम्मान, बस जो एक कमी है एक साथी की। और आपकी बहन से अच्छा साथी मेरे लिए और कोई हो नहीं सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो जो करना है वो करो, लेकिन मैं शादी के खिलाफ हूं। देखिए श्याम नारायण जी, आप ना इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप बस ये बताइए कि शादी कब करनी है? आज और अभी। अभी ऐसे कैसे? देखिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पंडित जी से बात होगी, वो सब इंतजाम कर लेंगे। आप लोग तो बस अपनी तैयारी कीजिए। और हाँ, अब शुभ कार्य में कोई देर नहीं होनी चाहिए, मैं आप लोग से मंदिर में ही मिलता हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। काफी भारी कंगन है, महंगे होंगे। बुड्ढे को छुरा लगा के बहुत लगा है। कभी कभी तुम कितनी ओवर एक्टिंग करते हो, ऐसा लगता है पकड़े जाएंगे किसी दिन। कुछ नहीं होगा मेरी जान। और दुर्गेश की प्लानिंग कभी फेल हो सकती है क्या? अच्छा ये बताओ कंगन कैसे, मतलब आगे का प्लान क्या है? वही जो श्याम नारायण से पहले अपने 10 पतियों के साथ करती है, लेकिन हाँ इस बार कुछ अलग कर रहा हूँ। मतलब? मतलब ये कि अभी तक हम लोग सुहाग रात में लोगों को लूट के निकल जाते थे। हाँ। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि श्याम नारायण के पास ना बहुत पैसा है और शादी के बाद तुम्हें कुछ दिन उसके यहाँ रहना होगा, और मौका मिलते ही हम लोग वहाँ से पैसे लेके निकल जाएंगे। अच्छा चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बुड्ढा मंदिर पे वेट कर रहा होगा, हम बाकी की तैयारियाँ करते हैं। क्या सोच रही है शिवानी? आओ अंदर आओ। जानती हो इतने बड़े विशाल घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रवि रहते हैं, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन आपका बेटा रवि कहाँ है? हाँ बुलाता हूँ। रवि, रवि बेटा। वाह, दुनिया में पहली बार ऐसा बाप देखा जिसके जवान बेटे को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, हर बाप शादी के फेरे लेके आ गया। शर्म नहीं आती तुझे इस समय ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए पापा, अपनी बेटी को मैं की लड़की शादी करके आए हैं। रवि खबरदार, ये एक शब्द भी आगे कहा तो क्या करेंगे आप? सच बोल दिया तो मिर्ची लगी क्या आपको? भगवान के लिए आप दोनों शांत हो जाइए, हम आप दोनों को ऐसे लड़ते हुए नहीं दे सकते। शिवानी
तुम तो समझ सकती हो ना, रवि को असल में शादी के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, इसीलिए उससे मेरी शादी बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगा है। अब मैं आ गई हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिल के रवि के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो कमरे में चलते हैं, आज हमारी सुहागरात है। ये देखो तुम्हारे लिए खास तोहफा। ये बहुत सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। ये लीजिए, पहले आप दूध पीजिए, इससे आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी और उतना ही मजा आएगा। अब तुम कह रही हो तो पी लेता हूँ। ये लो, पी लिया। क्या हुआ? आंखें खोलिए पतिदेव। हमारे दूध में पड़ी हुई दवा का असर ही कुछ ऐसा होता है, इंसान दूध पीते ही जोश में आने से पहले अपने होश खो बैठता है। ये तो सेट है, देखते हैं बुद्धे ने अलमारी में भर के क्या रखा। ये देखो पहले दिन की कमाई, वो भी इतनी सारी। ये सब तो मैं बाद में लेके जाऊंगा, पहले तेरे साथ स्वागत तो मना लो। ये देखो, सोचो उसमें क्या है? क्या है? हमारी मुंह दिखाई का तोहफा। अब हम तुम्हें इसकी पिक्चर भेजेंगे, अगली बार जब आओगे इसी का एक डुप्लीकेट बना के लेके आना और हम इसे असली वाले के साथ बदल देंगे। ओहो, है ना मास्टर प्लान? सुपर। चाहिए आपको? नहीं बस ऐसे ही। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से अपने लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में गया, सैडली कोई लड़की मिली नहीं। वैसे आप कहाँ मिले पापा को और कैसे? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं, मतलब बस ऐसे ही। अभी हम लोग कुछ महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए। मैंने पूछा नहीं, वैसे सही किया आपने बता दिया। तो वैसे कहाँ से हैं आप? हाँ। मतलब आपका परिवार और आप लोग सब? हम मथुरा से हैं। अरे वाह, मथुरा।
आपको पता है मेरा एक बेस्ट फ्रेंड रहता है मथुरा में। मथुरा में कहाँ से? आपके पापा चाय का इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हें चाय दे के आते हैं। चाय। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कल रात पता नहीं क्या हो गया मुझे, सुहागरात पे इतना जल्दी सो गया। कभी कभी ज्यादा थकान की वजह से जल्दी नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। पर आज की रात खाली नहीं जाने दूंगा। ये पैसा चौहान साहब ने दिया, उनके पास बाकी था ना अपना 2 लाख, लौटा दिया। ये तो सिर्फ 1 लाख है, बाकी के 1 लाख का है? बाकी के 1 लाख मैंने अपने पास रख लिया, छाती लगाने वाले को देना है ना, ताकि वो मेरे लिए जल्दी जल्दी लड़की ढूंढ सके। अभी तुझे पिछले हफ्ते ही 1 लाख दिए थे ना, इस तरह अगर तू पैसे बांटता रहा तो बहुत जल्दी कंगाल हो जाएंगे हम लोग। ऐसे पैसे वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा ना। देखिए, जब आपकी किस्मत में लड़की लिखी होगी तो आपको भी जरूर मिल जाएगी, जैसे हम मिल गए आपके पापा को। तू मुंह क्या देख रहा है, वापस कर वो 1 लाख। शादी की है ना आपने, के तेवर ही बदल गए। शिवानी जी, अलमारी में रखो। ठीक है, बहुत जल्दी वापस आ रहा। अरे आइए 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 आइए। माफ कर दीजिए जीजा जी, हमको देवता समान आदमी को पहचानने में हमसे गलती हो गई। दुर्गेश जी, हम आपको माफ तभी करेंगे जब आप हमारे गले लगेंगे। माँ भाई, आप लोग कब आए? अभी आए। कैसे हो आप? पहली बार तो हमसे इतना दूर रहे बहना, आ भैया के गले लग जाए। भाई अपने बहन से ऐसे गले क्यों मिल रहा है? ऐसा लग रहा है ये भाई बहन नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। शिवानी, अपने भैया और माँ को अपने कमरे में लेके जाओ और वहीं बैठ के आराम से बातें करो। ठीक है, चलो भैया। चलो जल्दी से मुझे वो नकली हार दो। चलो सर, नेकलेस मिलेगा, कुछ कैश भी मिलेगा। आज सुबह बुड्ढी ने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए हैं, तो उसमें से 1 लाख हमें दे दो। अगर उसे शक हो गया तो? अरे तुम पैसे दे दो, बाकी तुम यहां संभाल लेना था। मैं संभालूंगी। क्या हुआ तुम यहाँ पे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गया। ये बुड्ढे का बेटा रवि है, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ज्यादा। पूरे दिन पुलिस की तरह मुझ पे नजर रखता है, मुझसे सवाल जवाब करता रहता है। तुम परेशान नहीं हो, बस कुछ दिनों के बाद, इसके बाद ना हम गायब हो जाएंगे। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, खाना खा के जाइए ना। अरे नहीं जीजा जी, फिर कभी खा लेंगे, अभी थोड़ा सा काम है हमें। ठीक। रुकिए,
डब्बे में क्या है? रवि बेटा ये क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहा हूँ, मुझे देखना है कि इस डब्बे में क्या है। मिठाई के डब्बे में मिठाई ही होगी ना बेटा। वो क्या है ना कि मैंने मन्नत मांगी थी, जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो माता रानी पे प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये वही प्रसाद है, यहाँ से बस हम मंदिर ही जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे देखना है इसमें कि कौन सी मिठाई है। ये क्या हो रहा है आपके घर पे? आपका बेटा ऐसे कैसे मेरी माँ पे शक कर सकता है? शिवानी, वो शक करने की क्या बात है पापा, इसमें मिठाई है तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी मिठाई है। आप नहीं दिखाना चाहते, लाइए मैं देख लेता हूँ। वो देख लिया, मिल गई तसल्ली। हम लोग गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं है। मेरे बेटे रवि ने जो बेहुदा हरकत की, मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप माफी मत मांगिए, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बस अब हम चलते हैं। चल। शिवानी, शिवानी, अरे मेरी बात तो सुनो। कि बुड्ढे का बेटा रवि है ना, बड़ा शक्की है। आज अगर पकड़े जाते ना, सारा खेल खराब हो जाता इसकी वजह से। हमको तो उसके ऊपर पहले से ही शक हो गया था माँ, जब वो कमरे में आया था। इसीलिए हमने मिठाई के डब्बे से नेकलेस निकाल के लड्डू रख दिए थे। अभी क्या है ना कि बड़ी सावधानी से खेल खेलना होगा। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं आप? शिवानी, तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे सुबह, वो तुमने कहाँ रख दिए? यही तो रखे थे। देखो जरा। यही तो रखे थे, अरे कहाँ चले गए? नहीं मिले? नहीं, शायद किसी को दे दिए होंगे। तुम कहना क्या चाहते हो, किसे दे दिए होंगे पैसे? ये तो यही बताएंगी पापा। आज ही आपने इनको पैसे दिए और आज ही इनके घर वाले अपने यहां चले आए और आज पैसा भी गायब हो गया। बाकी आप खुद समझदार हैं पापा। सुबह सुबह इन्होंने हमारे परिवार पे शक किया और अब ये हम पे चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हैं। और वैसे भी पैसों की ज्यादा जरूरत तो आपको थी ना, आप ही के सर पे शादी का भूत सवार है। क्या पता 1 लाख रुपए किसी शादी मनाने वाले को दे दिए होंगे। तो मैं अपने घर में चोरी करूंगा? आप मेरी बात सुनिए, आप इनके कमरे की तलाशी लीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ पापा, आप चलिए, आइए। चलो आ जाओ, आइए आइए, चलिए आइए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हम सब जगह देखिए और इधर भी देखिए, यहाँ भी देखिए और इधर भी देखिए, इधर भी देखिए। मेरे पे शक कर रहे हैं। हो गई तसल्ली? आपने बेड के नीचे चेक किया? ये क्या? ये तो वही नोट है जो मैंने शिवानी को दिए थे। ये तो सिर्फ 1 लाख है, बाकी के 1 लाख कहाँ है? बाकी के 1 लाख तुमने कहीं शादी लगाने वाले पे तो नहीं उड़ा दिए? तू इस हद तक गिर जाएगा कि वो अपनी शादी करने के लिए पैसे चुराने लगेगा? पापा, मुझ पर शक कर रहे? देखिए पापा, मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में पैसे कैसे आए। तो फिर हो सकता है किसी ने जानबूझकर रख दिया हो मेरे कमरे में पैसे। बंद कर अपनी बकवास। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आज के बाद तुझे एक चवन्नी नहीं दूंगा खर्चा करने के लिए।
इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पैसे हमने लिए, इल्जाम किसी और पे लगा दिया। भगवान के लिए आप शांत हो जाइए, जो भी हो सब भूल जाइए। और तुम, क्या जरूरत थी पैसे चुराने की? पैसे चाहिए थे तो पापा से मांग लेते, पापा दे देते ना। आगे से मत करना ऐसा। चलिए आप मेरे साथ चलिए। चलिए लगता है आज बहुत मूड में है ये बुड्ढा, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। बहुत सुंदर। क्या हुआ शिवानी, क्या हुआ, ठीक तो? पता नहीं, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ दवा दो, आराम हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ना बहुत जल्दी दवाई नहीं लेते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, सो जाएंगे, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अरे दवा ले लो तो फौरन आराम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हम सोने जाते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। शिवानी? हाँ। अरे किधर हो मेरी जान? यही हूँ, बताइए क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आज तो आप। अरे बात ही कुछ ऐसी है। मेरी एक फैक्ट्री थी पुरानी। हाँ। मैं उसे बेचना चाहता था लेकिन उसके सही दाम नहीं मिल रहे थे, लेकिन तुम्हारे शुभ कदम पड़ते ही वो फैक्ट्री बिक गई। अच्छा। और मालूम कितने? 70 लाख। 70 लाख। ये ब्रीफकेस तुम रखो संभाल के। इन पैसों से मैं दूसरी फैक्ट्री शुरू करूंगा, और वो भी तुम्हारे नाम से। तुम उस फैक्ट्री की मालकिन बन जाओगी। आपका फोन। फोन ये फोन इसी वक्त। हेलो, हाँ शिवानी। सुनो, एक लंबा हाथ मारने का समय आ गया है। तुम्हें पता है, बुड्ढे ने अपनी एक पुरानी फैक्ट्री बेची है पूरे 70 लाख में, और वो 70 लाख हमारे पास है। 70 लाख? अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, वरना सारा की सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम एक काम करो, तुम उस 70 लाख को भी संभाल कर रख दो, और तुम यहाँ आ जाओ। क्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, यहाँ पे छोड़ के कैसे आऊँ पैसे? अरे पहले हमारी बात तो सुनो। यहाँ दो नए बकरे मिल गए और शादी के लिए 5-5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। तुम बस ना कैसे भी करके यहाँ आ जाओ, उन दोनों बकरों की शादी ना तुमसे आज ही तय करा देंगे और शगुन के पैसे हमें मिल जाएंगे। और रही बात 70 लाख की, तो तुम एक बार यहाँ आ जाओ, इसके बाद आगे का प्लान मैं बताता हूँ। ठीक है, आती हूँ। Thank you.
जितनी सीधी ये दिख रही है ना उतनी है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सुनिए ना, माँ ने ना घर पे पूजा रखवाई है सुख शांति के लिए और हमें भी बुलाया है, तो हम जा रहे हैं, पूजा खत्म होती घर आ जाएंगे। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम खुद चले जाएंगे, अगर कुछ भी जरूरत होगी तो आपको फोन करते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो जल्दी आना। जी सर बैठिए ना, बैठिए ना, आप कुछ ले गया दीजिए ना, नमकीन नमकीन। पैसा ही पैसा। अब कल वो तो बंदे जब इस घर में बारात लेकर आएगा ना, तो बेचारे अपनी दुल्हन को ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन ये सब तो ठीक है, आगे का क्या प्लान? अभी ना तुम श्याम नारायण के घर से वो 70 लाख रुपए लेकर निकल जाओ। घर के बाहर हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। प्लान तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मैं सोच रही हूँ कि इस खुशी के मौके पे कुछ पिया जाए। पीने का इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। प्यारी अम्मा। मैं लेकर आती हूँ। मेरे भाई बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे ढेर सारी हील्स चाहिए, ओके, बैग चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए। ओहो मेरी जान, सब कुछ मिलेगा? मुझे भी साड़ी चाहिए। अरे माँ तुम्हारे पैसे हैं सारे। शिवानी, अजीब बात है, इतना सुबह सुबह कहां चली गई? फोन भी नहीं लग रहा उसका। शिवानी, आपकी प्रिय पत्नी आपको चूना लगाकर भाग गई पापा? क्या उठपटंग पक रहा है, खबरदार जो मेरी शिवानी के बारे में एक भी बात गलत कही तो। अरे गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कल रात में उनको भागते हुए, वो अकेली नहीं थी,
उसके साथ में उसका भाई भी था और उसकी माँ भी थी। और यही नहीं, मैंने उनका थोड़ी देर तक पीछा भी किया था, फिर बाद में देखा वो जाके यार गाड़ी में बैठ गए और उनके हाथ में एक बैग भी था। पापा ये ऐसा तो नहीं, वो झूठ बोल रहा है तू। मेरी शिवानी को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। अगर आपको इतना ही यकीन है अपनी पत्नी पर तो आप जाकर चेक कर लीजिए कि आपके पास वो 70 लाख रुपए है भी कि नहीं, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पापा। रुक तू। हाँ चलिए। आजा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी शिवानी के बारे में तू झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? मेरे पैसे तो यही थे, मेरे पैसे बेटा, पैसे इसी में थे। पापा पैसे तो इसी में रखे थे मैंने। पापा आपकी पत्नी पैसे लेकर भाग गई, और आपको पता है शिवानी ही नहीं उसका पूरा परिवार ठग है पापा। और एक बात और पापा, को याद है वो 1 लाख रुपए वाली बात? मैंने सच में नहीं चुराया था पापा, उसने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरी शिवानी ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। बेटा, पापा खुद को संभालिए, देखिए जो होना था वो हो गया, अब वो कहीं हमसे दूर भाग जाए उससे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, मेरी शिवानी धोखा नहीं कर सकती मेरे साथ। पापा संभालिए खुद को, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है? मतलब एक 25 साल की लड़की से आपने शादी की और वो आपको लूटकर अपने परिवार वालों के साथ भाग गई? जी इंस्पेक्टर साहब, हम लोग शिवानी के घर भी गए थे पर उसके घर में ताला लटका हुआ था। आस पड़ोस वालों ने बताया कि वो लोग वहां से जा चुके हैं और किसी को पता भी नहीं था वो लोग कहाँ गए। आपकी पत्नी की तस्वीर है आपके पास? जी है ना, जी ये रहा इंस्पेक्टर साहब। इससे पहले दो और लोगों ने इस लड़की और इसके परिवार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। शिवानी और उसके परिवार वालों ने इन दोनों से शादी के नाम पर 5-5 लाख रुपए लिए पर उससे पहले ही शहर छोड़कर भाग गए। पर इंस्पेक्टर साहब, शिवानी की शादी तो मुझसे हो चुकी थी, फिर ये दोबारा शादी, कुछ समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब माजरा क्या है। आजकल ऐसे ठग बहुत हैं जो शादी के नाम पर लोगों को लूट लेते हैं, ये भी वही लोग हैं। हमने केस की जांच शुरू कर दी है, दुर्गेश का नंबर सर्वेलेंस पर डाल दिया है, जल्दी उन लोगों का पता चल जाएगा। हेलो, क्या 10 लाख? हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ मंजूर है। मैं आपको घर का एड्रेस भेजता हूँ, आप लोग आज ही आ जाइए। जी जी नमस्ते। लगता है ऊपर वाला हमारे पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। पहले ये बताओ कि हुआ क्या है? अरे कोई गुंगा आदमी है, उसकी माँ का फोन आया था, अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं और पता है 10 लाख रुपए देने को तैयार। 10 लाख? 10 लाख? हाँ। तो फिर चलो नया बकरा काटने की तैयारी करते। हाँ। आपका बेटा बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, हमारी बेटी फिर भी सब समझ लेगी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अगर आप कुछ शगुन वगैरह देना चाहे तो दे सकती हैं बेझिझक होकर, हमें कोई एतराज नहीं होगा।
ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, ये हथकड़ी है, तुम लोगों के लिए एक शगुन है। ये हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। तुम जैसे लोगों को फंसाने के लिए चारा डाला था और तुम लोग बड़े आसानी से फंस गए। अब चुपचाप बताओ कि तुम लोगों का ये ठगने का धंधा कब से चल रहा है, बोलो। इंस्पेक्टर सर, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने जो भी किया वो दुर्गेश और उसकी माँ के कहने पे किया। मतलब ये तुम्हारी नहीं दुर्गेश की माँ है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, दुर्गेश मेरा बेटा है और शिवानी अनाथ थी, उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसके बाद हमने ये शादी के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा शुरू कर दिया। अब तू कुछ बोलेगा या तेरे मुंह में डंडा डालूं तब तू कुछ बोलेगा? सर, मैं सब कुछ सच बताता हूँ सर। हम ऐसे लोगों को जाले फंसाते थे जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पाती थी या जिस इलाके में लड़कियां कम होती थी, ऐसे लोगों से हम शिवानी की शादी फिक्स करके उन्हें लूट लेते थे। पर श्याम नारायण जी के पास बहुत पैसा था, इसलिए हम लोग इंतजार में थे कि जैसे ही लंबा हाथ लगता है हम वहां से निकल लेंगे। फिर शिवानी ने हमें 70 लाख रुपए के बारे में बताया और हम वहां से पैसे लेके निकल गए। एक औरत होकर ना सिर्फ तूने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है बल्कि पति पत्नी के रिश्ते का अपमान भी किया है। इंस्पेक्टर साहब, इन धोखेबाज लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ले चलो इन्हें। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाया बेटा। कोई बात नहीं बाबा, चलिए।